नमस्कार दोस्तों, आरसी जॉब न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की सबसे बड़ी खबर आल यूनिवर्सिटी एग्जाम 2020 को लेकर है। उत्तर प्रदेश में जितने भी विश्वविद्यालय हैं या डिग्री कॉलेज हैं, उन सभी में अभी तक स्नातक और स्नातकोत्तर की परीक्षाओं का आयोजन नहीं हो पाया है। किस ईयर के अभ्यर्थियों का एग्जाम होगा और किस ईयर के अभ्यर्थी प्रमोट किए जाएंगे, पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। प्रदेश के विश्वविद्यालयों व डिग्री कॉलेजों में स्नातक और स्नातकोत्तर अंतिम वर्ष के साथ सेमेस्टर पाठ्यक्रम में भी अंतिम सेमेस्टर के छात्रों को परीक्षा देनी होगी। जो जानकारी प्राप्त हुई है उसी जानकारी के आधार पर मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। UGC की जो गाइडलाइंस है उसके मुताबिक 30 सितंबर 2020 तक ऑनलाइन या ऑफलाइन परीक्षाएं करा दी जाएंगी, ऐसा UGC के गाइडलाइंस में लिखा हुआ है। फिलहाल परीक्षा का आयोजन 30 सितंबर तक हो पाएगा या नहीं, या देखने वाली बात होगी, क्योंकि कोरोना की महामारी दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। मैं आप सभी को एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि स्नातक प्रथम द्वितीय व स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष के साथ सेमेस्टर पाठ्यक्रम में अंतिम को छोड़कर शेष विद्यार्थियों को प्रोन्नत किया जाएगा, जबकि स्नातक अंतिम वर्ष का परिणाम 15 अक्टूबर और स्नातकोत्तर के अंतिम वर्ष का परिणाम 30 अक्टूबर तक घोषित किया जाएगा, ऐसा उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा का कहना है। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा ने यहां तक कहा कि यह व्यवस्था कोरोना संक्रमण के मद्देनजर UGC और केंद्र सरकार की गाइडलाइंस के अनुसार की गई है। उन्होंने बताया कि जिन विश्वविद्यालयों ने कुछ परीक्षा लॉकडाउन से पहले करा ली थी, उनका मूल्यांकन कर उनके अंतिम परिणाम में जोड़े जाएंगे। मैं आप सभी विद्यार्थियों को एक महत्वपूर्ण जानकारी और देना चाहता हूँ। यदि कोई विद्यार्थी अंतिम वर्ष या अंतिम सेमेस्टर की परीक्षा में शामिल नहीं हो पाता है, तो उसे संबंधित कोर्स या विषय में विशेष परीक्षा में शामिल होने का मौका दिया जाएगा। विश्वविद्यालय अपनी व छात्रों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया है। आप सभी को बता दूं, उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने बताया कि परीक्षा व उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन के बाद प्रत्येक विषय में जो छात्र अलग अलग उत्तीर्ण हैं या जिन्हें बैक मिली है, वे अगले वर्ष या अगले सेमेस्टर में प्रोन्नत किए जाएंगे। वहीं जो अनुत्तीर्ण हैं या बैक पेपर के लिए भी योग्य नहीं हैं, उन्हें अनुत्तीर्ण घोषित किया जाएगा। तो यह सबसे बड़ी जानकारी थी विश्वविद्यालय की परीक्षाओं को लेकर। लेकिन मांग चल रही है कि कोई भी परीक्षा ना हो, अंतिम ईयर की परीक्षा भी ना हो और प्रोन्नत कर दिया जाए, जैसे अन्य राज्यों में हुआ है। अब देखना होगा इस पर क्या निर्णय लिया जाता है, लेकिन जो वर्तमान की जानकारी थी उस जानकारी के आधार पर मेरे द्वारा आपको जानकारी दी गई है। आगे कोई जानकारी मुझे प्राप्त होगी चैनल के माध्यम से आपको दी जाएगी।